श्री शिव महापुराण युवा समिति की तरफ से श्रावण माह में होने वाली श्री शिव महापुराण कथा से पहले बीते दिन रविवार को कलश यात्रा निकाली गई। इसमें विशेष रूप से पर्यावरण के लिए समिति के द्वारा कलश के स्थान पर पौधे वाले गमले अपने शीश पर धारण किए गए। 431 पौधे कलश के द्वारा यात्रा निकाली गई, जो कि भाड़ावास रोड स्थित आशियाना गार्डन से कथा स्थल बारह पत्थर मंदिर पहुंची। रामपुरा के सरपंच नरेश कुमार व बैरियावास सरपंच चंद्रकांत ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि कथा प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक भूतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में होगी। 11 अगस्त को हवन व भंडारे के साथ इसका समापन होगा। मैं गिरीश कुमार और हम 21 सालों से यह कथा विधिवत रूप से यहाँ पर बारह पत्थर मंदिर पर प्रतिवर्ष यहाँ पर हम आयोजित करते हैं, और उसी श्रृंखला में उसी कड़ी के अंदर आज हमने सभी समिति के साथ और सभी भक्तों के साथ यह निर्णय लिया, क्योंकि पर्यावरण आज एक देश की बहुत बड़ी समस्या बन गई, ग्लोबल वार्मिंग जो चारों तरफ फैला हुआ है उसको देखते हुए हमने इस बार कलश यात्रा के अंदर 421 कलश जो हमारी माताओं और बहनों के द्वारा उठाए जा रहे हैं और उनमें हमने पौधों का वितरण किया हुआ है, और ये सभी इन पौधों के साथ हम इनको भगवान शिव के लिए अर्पित करेंगे और ये सभी पौधे उनको उनके घर के लिए दिए जाएंगे ताकि वो अपने घर में ये पौधे लगाएं। और इसके अलावा हमारा आगे और भी एक कार्यक्रम है, अगर बाबा भोलेनाथ ने चाहा तो हम इनको एक एक पौधा बड़े आंगन में लगाने के लिए और भी देने का हमने अभी योजना बनाई हुई है। यदि पूर्ण होगा तो हम ये चाहते हैं कि सभी पर्यावरण को देखते हुए, पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए ये पौधे अपने घर में लगाएं, और जो आज पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में एक ग्लोबल वार्मिंग फैली हुई है उससे हमें निजात मिले। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हमने जो फैसला लिया है इससे पहले, क्योंकि कोई तब कभी तांबे का कलश होता था, कभी पीतल का कलश, कभी स्टील का कलश होता था, लेकिन इस बार हमने यह निर्णय अपना स्वेच्छा से लिया जिसमें माता और बहनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उन्हें बहुत ही ज़्यादा उत्साह दिखाया। बारह पत्थर मंदिर पर हर साल की तरह इस साल भी शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कलश यात्रा की जगह इस बार पौधा यात्रा निकाली जाएगी। कलश की जगह एक एक पौधा होगा ताकि पर्यावरण को बचा सके। सभी कलश की जगह ये पौधा लेके अपने अपने आंगन में इस पौधे को लगाने का काम करेंगे। हो तो क्या, मैं खोज समझता हूँ जहाँ तक मुझे पता है कि पूरे प्रांत में पहली बार ऐसा कलश यात्रा की जगह पौधा यात्रा निकाली जा रही है। सभी को ऐसा करना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए, एक एक पौधा अपने आंगन में। इसके अलावा और भी हमारी योजना बनाई है, उसमें देंगे, घर में आप पौधे लगाएंगे।